बस्तर में मानसून के दस्तक देते ही रेत माफिया सक्रिय हो गए हैं। खासकर बकावंडी ब्लॉक में रेत माफियाओं ने नदी किनारे और अंदरूनी इलाकों में अवैध तरीके से रेत डंप करनी शुरू कर दी है। दरअसल मानसून के दौरान बाढ़ के चलते नदी और नालों से रेत खनन कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में रेत माफियाओं के द्वारा बारिश से पहले ही रेत का अवैध तरीके से खनन कर डंप किया जा रहा है। ऐसे ही अलग अलग मामलों में जिला प्रशासन के द्वारा अवैध रेत के ढेरों को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। गौरतलब है कि जिले में पहले से रेत के खदानें गिनती की हैं, बावजूद जिले में कई जगहों पर अवैध तरीके से रेत का खनन माफियाओं के द्वारा अंजाम दिया जाता है। कठोर नियमों के चलते बारिश के दौरान प्रशासन के द्वारा रेत खनन पर लगी रोक का पालन तो कराया जाता है, लेकिन दुगुना मुनाफा कमाने के लिए माफियाओं के द्वारा अवैध खनन के साथ ही अब भंडारण करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। जगदलपुर से एसडी राज की रिपोर्ट। जिले में खास करके हमारे बकावंड ब्लॉक में और जगदलपुर के चितालूर वगैरह एरियाज में जहाँ पे ठीक ठाक मात्रा में रेत मिलती है, जहाँ पे अवैध रूप से भंडारण या फिर खनन करने की जो शिकायतें जो मिलती है उसके आधार पर लगातार माइनिंग विभाग के द्वारा राजस्व अधिकारियों की और पुलिस की जो संयुक्त टीम जो है लगातार छापेमार कार्रवाई भी कर रहे हैं और लगातार फाइन्स भी लगाए जा रहा है। आज ही चितालूर में जहाँ पे बड़ी एक डंप मिली थी उसको सीज करते हुए उसको प्रशासन के हवाले किया गया, पंचायत के हवाले किया गया है और लगातार ये कार्रवाई जारी है।